कि यहाँ पर ट्रामा सेंटर में डॉक्टरों की कमी है, हमारे यहाँ पर इसके अलावा अल्ट्रासाउंड के लिए रेडियोलॉजिस्ट नहीं है, और भी कुछ कमियाँ हैं, उनको दूर करने के लिए हम शासन में बात करेंगे और जो कमियाँ हैं उनको एफर्टिव दूर करेंगे। और हम ये चाहेंगे सर, गाँव दिल्ली में जो सुविधाएँ मरीजों को मिलती हैं वो बलिया के लोगों को यहीं पर मिले, ऐसा हमारा आग्रह। सर सर ठेले पे मरीज ले जा रहे हैं एम्बुलेंस में, इसको जल्द से जल्द पूरा करेंगे। अब माननीय सांसद जी भी यहाँ पर हमारे साथ में हैं, मेयर सेवक जी माननीय सांसद जी भी हैं, जल्द से जल्द, और ये प्रयास लगातार चल रहा है। जैसे आप जानते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज देंगे, अभी बलिया में मेडिकल कॉलेज भी बनने का काम शुरू नहीं हो पाए, जल्दी जल्दी मेडिकल कॉलेज भी चालू करेंगे, और यहाँ पर जो सुविधाएं जो आप बात कर रहे हैं उसको जितना जल्दी हो सके, उसमें 6 महीना में जो सुविधाएं हो सकती हैं उनको 6 महीने पूरे कर लेंगे। एक चीज़ और, मुख्यमंत्री जी ने दे रखी है, स्वास्थ्य विभाग ने दे रखी है, एम्बुलेंस में पेट्रोल नहीं है, एम्बुलेंस है तो ठेले पे मरीज जा, ठेले पे मरीज जा, मुख्यमंत्री जी ने सारी सुविधा दी है, लेकिन इम्प्लीमेंट कितना हो रहा है, धरातल पे कितना काम है भाई, इसको भाई सीएमओ कहाँ है ये, अगर जो सीएमओ मतलब एम्बुलेंस वाली घटना है सर, ठेले पे मरीज दूसरी घटना है, नहीं ये अगर कोई इस प्रकार की घटना तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। जो सीएमओ जो भी यहाँ पर एम्बुलेंस है वो प्रॉपर तरीके से चलनी चाहिए, ये नहीं कि उसके पर पेट्रोल नहीं डीजल नहीं इसकी वजह से नहीं चलेगी, जो भी एम्बुलेंस है चाहे कहीं से व्यवस्था करें वो चलनी ही चाहिए, किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए। और जो मिनिमम टाइम रिस्पांस टाइम दिया गया 10 मिनट का 12 मिनट का, उस टाइम पर वहाँ पर मरीज को पहुँचना ही चाहिए, ये हमको कमिटमेंट है हमारा, इसको पूरा करें। सरकार सुविधा दे रही है सर, एक सवाल है मेरा, एक महिला हॉस्पिटल में सर 164 बेड का हॉस्पिटल, बिल्डिंग बड़ी ज़बरदस्त बड़ी अच्छी है, लेकिन सर वहाँ अल्ट्रासाउंड 5 साल से नहीं, महिलाएँ खास तौर पे आती हैं तो बाहर जाके अल्ट्रासाउंड कराना पड़ता है, बहुत दयनीय स्थिति है। अभी इसके बारे में डिटेल में डॉक्टर से मेरी यहाँ पर बात हुई है, अल्ट्रासाउंड करने के लिए रेडियोलॉजिस्ट की जरूरत होती है, रेडियोलॉजिस्ट